फील्ड एंड चार्ज में कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। इसमें हमने देखा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। हमने इसमें यह चीज भी देखा कि अगर कोई मटेरियल क्या है आपका कंडक्टर है, तो उसका कंडक्टर को मेजर हम लोग कंडक्टिविटी से करते हैं। अगर वो अच्छा इंसुलेटर है तो उसको मेजर किससे करते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से। हो गया? यस सर। एयर का, हवा का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना? 3 न्यूटन पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम एयर में दे दें तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा, है ना? आज इसी के आगे हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। हमारे पास में अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी को हम किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं, है ना? तो चलिए चलते हैं समझने की ओर कि मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी बॉडी को बेसिकली हम तीन प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। समझ में आया? पहला जो टाइप है, पहला मेथड है, इसको कहते हैं हम लोग रबिंग। आप सीख चुके हैं किसी बॉडी को आप चार्ज किससे कर सकते हैं? रबिंग। रबिंग का मतलब समझ में आता है ना? एक दूसरे बॉडी को आपस में लाके इस तरह से रगड़ना, घसड़ना। और ये किसके कारण से उत्पन्न हो जाती है, ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन। घर्षण होता है ना दोनों के बीच में, और वही घर्षण की वजह से बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। यही हम सीखते आए हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अम्बर पत्थर को रबिंग ही किया था, उससे बॉडी क्या हो गया था? चार्ज हो गया था। ये इसके बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करने वाले हैं। समझ में आया? चलिए, पहला मेथड समझ में आया? ड्यू टू फ्रिक्शन विथिन द कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज, ठीक। दूसरा नंबर, सेकेंड, जिसको हम लोग जानेंगे कंडक्शन के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? कंडक्शन विथ टचिंग। लिख भी देते हैं यहां पे विथ टचिंग। क्लियर? समझिएगा, आपके पास में एक बॉडी है, ठीक। ये क्या है आपका? बॉडी है। इस बॉडी का नेट चार्ज कितना? इस बॉडी का नेट चार्ज कितना? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इस बॉडी पे जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है उतनी संख्या में प्रोटॉन प्रेजेंट है, और दोनों की संख्या बराबर होने की वजह से इसका नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। बात समझ में आ गया? यस सर। अब हम एक ऐसा रड लेते हैं, ये देख रहे हैं, रड लेते हैं, इसको रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो इस रड पे क्या आपका चार्ज आ जाएगा? मान के चलते हैं इसमें आपका माइनस चार्ज आ गया। इस रड में कैसा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। अब माइनस चार्ज इस रड में बढ़ने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह भागने का कोशिश करेगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। लेकिन इसको दरवाजा मिले भागने के लिए, तभी तो यहाँ पे ये भागे। yes, समझ पा रही है? तो क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पे टच करा देते हैं विथ टचिंग। चार्ज किया हुआ रड को हम इस, जिसका नेट चार्ज कितना है हमारा? जीरो। नेट चार्ज जीरो, उसके साथ में टच करा दिए। तो जैसे ही टच कराए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स क्या इस बॉडी में ट्रांसफर होगी? yes, होगा ना? yes, इस बॉडी में यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। इस तरह से
ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, समझिए मेरा बात को। सपोज दैट इस रेड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या यहां का 100 का 100 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगी ना? 100 की 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यहां का इलेक्ट्रॉन्स जब तक ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है ना, सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल। तो यहां का इलेक्ट्रॉन जब तक एक दूसरे को रिपेल करे तभी तक वो क्या कर जाए, ट्रांसफर होगा। बाद में तो इधर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आने वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उल्टा धकेलेगा, है कि नहीं? तो इसमें मान के चलिए 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इधर आपका केवल कितना, केवल 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 50 इलेक्ट्रॉन्स इधर रह जाएंगे। अब दोनों ओर से लगने वाला बल इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन स्थापित हो जाएगी, ना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स आएगा। समझ में आएगा? जब तक ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। समझ में आया? अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या हो गया, हमारा ट्रांसफर हो गया, तब हम इसको यहां से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। क्लियर? अब यहां पे हटाए तो इस बॉडी का नेट चार्ज कितना, इस बॉडी का नेट चार्ज कितना हो गया बताइए? जब हम इसको हटा दिए तो इसका नेट चार्ज अब कितना हो गया, -50। तो ये बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। चार्जिंग तुम्हारा दो तरह से हो सकता है, प्लस या माइनस से। तो इस तरह से ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। और इसी मेथड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कंडक्शन के नाम से जानते हैं। समझ पाई बात? डाउट है किसी को, पूछना है? तीसरा, थर्ड चार्जिंग का मेथड जिसको इंडक्शन कहते हैं, किसके नाम से जानेंगे, इंडक्शन। इंडक्शन इसमें हमारा होता है विद और टचिंग, बिना छुआए हम बॉडी को क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। समझ में आया? चलिए ध्यान से समझिएगा इसको, बिना टच किए ही वे ही हम लोग बॉडी को क्या कर देते हैं, चार्ज करेंगे। अब कैसे चार्ज करेंगे उसको समझिए, ये बॉडी है। समझ में आया? तो ये बॉडी का अभी नेट चार्ज कितना, जीरो। समझिएगा, नेट चार्ज जीरो इक्वल टू जीरो। नेट चार्ज जीरो क्यों, क्योंकि जितनी संख्या में प्लस उतनी संख्या में माइनस, तो नेट चार्ज हमारा जीरो होगा ही होगा। समझ पा रही है? अब यहां पे क्या होता है, जब हम कोई इसी प्रकार का नेगेटिव रड को इसके सामने लेके आते हैं, टच नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज है इस रड में, इस रड को इस बॉडी के सामने लेके लाते हैं, तो इसके अंदर पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है। नहीं समझ में आया? इसके अंदर पे आपका क्या चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने कौन सा चार्ज वाला बॉडी को इसके सामने लेके लाया, माइनस, माइनस चार्ज वाला को। तो इसके अंदर पे जो चार्ज प्रेजेंट है प्लस और माइनस, तो वो दोनों का क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। ध्रुवीकरण होने का मतलब ये हुआ कि इधर आपने माइनस चार्ज वाला रड को रखा, तो इसके अंदर पे जितने भी प्लस है उसको ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि माइनस चार्ज है उसको इधर धकेल देगा। बात पकड़ में आया? किसी को डाउट है? ऐसा ही तो होगा कि ये बॉडी का, बॉडी के अंदर पे जितनी संख्या में आपका प्लस है उतनी संख्या में क्या है, माइनस है। जब आप नेगेटिव रड को इसके सामने लेके गए तो इसके अंदर का जितना भी प्लस है उसको अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, और जितना माइनस है उसको अपने से दूर धकेल देगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या करती है, रिपेल करती है, जबकि आप इसको टच नहीं कराए हैं। इस तरह से इस बॉडी के अंदर का
जो चार्ज है उसका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हुआ? पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन का मतलब हुआ एक और प्लस और एक और माइनस। अभी भी इस बॉडी का नेट चार्ज कितना, अभी इस बॉडी का नेट चार्ज कितना है, जीरो ही है, क्योंकि अभी तो उसी के अंदर पे ना वो बटा बट गया अलग अलग। नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो है। अब ये हमेशा क्या कर रहा है, नेगेटिव को अपने से दूर धकेल रहा है, लेकिन ये नेगेटिव जाए तो किधर जाए, जाने का रास्ता नहीं है। अगर हम इसको रास्ता दे दें तो ये इधर से धकेल रहा है, इसको रास्ता मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। तो इसको हम नेगेटिव को क्या करते हैं, अर्थिंग से जोड़ देते हैं। अर्थिंग का मतलब समझ में आता है, जमीन से एक तार जोड़ते हैं और यहां से कनेक्ट करा देते हैं इस टर्मिनल को। अब इस टर्मिनल से होते हुए टोटल आपका ये नेगेटिव चार्ज कहां पे चला जाएगा, जमीन पे चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, धकेल रहा है। समझ में आया? अगर इसको हम यहां पे जोड़ दें और जोड़ने से पहले ही इसको हटा दें तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, यहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट कर दिए तो अब इसके पास में चार्ज कौन सा बच गया, केवल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से अब ये बॉडी कैसा चार्ज हुआ या नहीं हुआ, हुआ। कैसा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। इसको भी हम हटा दिए। और इस प्रकार का मेथड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंडक्शन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये आपका जो बॉडी बनेगा इसमें कैसा चार्ज, केवल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहां से गायब हो जाएंगे। इस तरह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, आपका चार्ज हो जाएगी। बात पकड़ में आया? ये दोनों डिवाइड हुई ना यहां पे, इसको किसके नाम से जाने हम लोग, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के नाम से जाने। ध्रुवीकरण, दो ध्रुव, दो ध्रुव में बट गया, एक और प्लस और एक और माइनस। समझ पाई? तो मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला रबिंग, दूसरा तीसरा इंडक्शन। क्लियर? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को जोड़ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके अंदर पे पहला टॉपिक आएगा आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, अल्जेब्रिकल सम्स विथ साइन। जो वहां पे साइन उपस्थित रहेगा उस साइन के साथ हम प्लस का साइन लगा के जोड़ेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। समझ में आ गया? या हम लिख भी देते हैं, अल्जेब्रिकली एडिशन विथ साइन, विथ साइन। क्लियर? जब हम इसको एग्जांपल में जाएंगे तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बॉडी है हमारा, ठीक। इस बॉडी का ये जगह पे ध्यान से समझिएगा,
प्लस 3 कूलम का चार्ज है, कितना प्लस 3 कूलम का चार्ज, ये जगह पे माइनस 2 कूलम का चार्ज है, तो इस बॉडी का नेट चार्ज कितना बताइए, क्या करेंगे हम सिंपली फॉर्म में, एडिटिविटी ऑफ चार्ज करेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, अलजेब्रिकली एडिशन विद साइन, है कि नहीं, यहां से देखिए तो क्या है ये, प्लस 3 कूलम प्लस, प्लस तो देंगे ना अलजेब्रिकली सम है, प्लस फिर माइनस 2 कूलम इक्वल टू प्लस 1 कूलम, इस बॉडी का नेट चार्ज कितना प्लस 1 कूलम, बात समझ में आया, डाउट है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। कंफ्यूज में तो नहीं पढ़ रही है ना तुम लोग, मान के चले कि ये हमारा दूसरा बॉडी, ठीक, इस दूसरा बॉडी पे मान के चले हम माइनस 4 कूलम का चार्ज और इधर माइनस 2 कूलम का चार्ज, तो इसका नेट चार्ज कितना जल्दी बताइए, फॉर्मूला को ध्यान से देखिए क्या कहा है, अलजेब्रिकली एडिशन विद साइन, जोड़ दीजिए साइन के साथ में, क्या आएगा माइनस 4 कूलम प्लस माइनस 2 कूलम इक्वल टू माइनस 6 कूलम, इस बॉडी का नेट चार्ज कितना माइनस 6 कूलम, और यही क्या कहलाती है आपका, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। कंफ्यूज में है, आ गया समझ में, दूसरा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरा पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा किससे बना हुआ है, क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है स्मॉल पैकेट, क्वांटा का मतलब क्या होता है स्मॉल पैकेट, ध्यान से समझिएगा, चार्ज, चार्ज का मतलब है यहां पे हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, 10 ट्रांसफर और एक्सेप्टेड बाय इंटीजरल मल्टीपल नंबर, इंटीजर मल्टीपल नंबर नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, क्या लिखे यहां पे आप, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स काइंड ट्रांसफर और एक्सेप्टेड, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं बाय इंटीजर मल्टीपल नंबर, आप किस तरह से ले सकते हैं, इंटीजर मल्टीपल नंबर के अनुसार ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, लेकिन एक टुकड़ा, आधा टुकड़ा, सवा, डेढ़, अढ़ाई नहीं ले सकते, बात समझ में आया, डाउट है कहीं पे, yes, कहने का ये मतलब हुआ कि ये एक बॉडी है, ठीक, yes, यहां से आप क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं तो आप कितना इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, अगर आपको आधा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज चाहिए तो आप आधा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नहीं ले सकते, कितना ले सकते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ले सकते हैं, और इतना चार्ज आप इसको दे भी सकते हैं, मेरा बात समझ में आ गया, yes, क्या आप
इसका दो गुना दे सकते हैं, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है इंटीजर मल्टीपल नंबर पे, समझ में आया? लेकिन आधा सवा डेढ़ यहां पे नहीं चलने वाली, जब भी आप लेन देन करेंगे चार्ज का तो इंटीजर मल्टीपल नंबर पे, चाहे एक देंगे चाहे एक लेंगे, चाहे दो देंगे या दो लेंगे, तीन देंगे या तीन लेंगे, लेकिन डेढ़ ना देंगे ना डेढ़ हम लेंगे, ना अढ़ाई देंगे ना अढ़ाई लेंगे, सावा सावा हुआ डेढ़ उड़ यहाँ पे नहीं चलता है, क्या चलता है? इंटीजर नंबर ऑफ मल्टीपल्स, चाहे आप दे एक दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं, चार पांच दस पंद्रह बीस पचास दे सकते हैं, लेकिन डेढ़ उड़ अढ़ाई सवा नहीं चलता है यहाँ पे। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? क्योंकि हमारा ये जो चार्ज होती है ये क्या होता है? एलिमेंट्री यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, एलिमेंट्री यूनिट होता है, इसको आप इससे छोटा नहीं कर सकते। बात समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज है वो उसका एलिमेंट्री यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, उससे आप उसको छोटा नहीं कर सकते। बात समझ में आया होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? समझ पाई चंद्री? yes, चलिए ध्यान दीजिए। तो चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं? क्यू, क्यू इक्वल टू अब इंटीजर मल्टीपल नंबर में दे सकते हैं। इंटीजर मल्टीपल नंबर का मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। चार्ज आपके पास में दो प्रकार की होती है, प्लस और माइनस। इंटीजर नंबर के बदले में हमने क्या डाला? ई। किसको लेन देन करेंगे आप? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को ही करेंगे ना? इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या प्रयोग होता है? माइनस या प्लस, दोनों चार्ज हम ले सकते हैं। नहीं समझ में आया? प्लस और माइनस दोनों चार्ज, चार्ज है ये ई माइनस और ई प्लस, बताए तो हमें। तो यहां पे क्यू इक्वल टू क्या मिला? प्लस माइनस एनी। एनी क्या है आपका? इंटीजर मल्टीपल नंबर। ई क्या है आपका? चार्ज, चार्ज। यहां पे वन डालेंगे तो वन चार्ज, एन के जगह में टू डाले तो टू चार्ज, इसके जगह में दस डाले तो दस चार्ज। इतना चार्ज आप दे सकते हैं या ले सकते हैं। एन के जगह पे आप 1.5, 1.25, 2.5 नहीं डाल सकते। समझ में आ गया? याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक। यहां पे एन क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजरल नंबर, ठीक। अब एन के जगह पे 1.5, 1.25, 2.5 यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? yes, sir. N के जगह में क्या यूज कर सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1, 2, 3 डॉट डॉट, जितना मर्जी आप इधर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सावा हुआ डेढ़ अढ़ाई यूज नहीं होगा। क्लियर? yes, sir. यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन उठती है, समझ में आ गया? yes, sir. कि वहां पे बोलेगा क्या कि क्या आप इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, और चार ऑप्शन दे देगा, और उसमें आपको छांटना है कि वहां का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। बॉडी क्या बोला क्वेश्चन, समझ में आ गया? क्या आप 8 × 10⁻¹⁸ चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं? आ? दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये पूछा यहां पे। कैसे पता यहां पे? आ? कैसे दे सकते हैं वो पता चला? आ? नहीं पता कैसे आपको यहां पे पता चलेगा? चलिए बनाते हैं हम यहां पे।
टोटल चार्ज यहां का, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, यहां पे टोटल चार्ज कितना बताइए, 8 × 10⁻¹⁸ है कि नहीं? फॉर्मूला आपको पता है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, समझ में आया? क्यू, क्यू का टोटल चार्ज कितना, 8 × 10⁻¹⁸ इक्वल टू, प्लस माइनस को अभी छोड़ देते हैं, एन हमारा एन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹, पढ़ के रखे है ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आया समझ में? यहां से एन को बाहर निकालिए, एन को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा जल्दी, 8 × 10⁻¹⁸ बाई 1.6 × 10⁻¹⁹, जल्दी सॉल्व करके बताइए, काटिए इसको, ये देखिए यहां से ये खत्म, कितना बच गया यहाँ पे 1, यानी कि आपको n इक्वल टू क्या मिला, 8 / 1.6 × 10⁻¹⁹ है, और n इक्वल टू ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हम 10 जोड़ सकते हैं, यानी कि 8 × 10 कितना हो गया 80 / 16 × 10⁻¹⁹, और n इक्वल टू अब ये माइनस में है ऊपर लेकर जाए प्लस, तो क्या हो जाएगा 800, नहीं समझ पाया, समझ पा रही है, बाय 16 × 16 = 80, n का वैल्यू कितना 50, ये इंटीजर मल्टीपल नंबर है कि नहीं है? है, तो इतना आप चार्ज दे सकते हैं, अगर ये 50.2 आता तो नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे 1.5-1.5 नहीं चलता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, समझ पा रही है बात को? यस सर। और उतना चार्ज देने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 50, ये भी बता दिया, ये समझ में आया? डाउट है? चलिए इसका तीसरा पॉइंट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी, हम क्यों पढ़ा रहे हैं उसको समझेंगे ना अभी, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी, किसी बॉडी का मास उसके वेलोसिटी पर निर्भर करता है, समझ में आ गया? अगर किसी बॉडी का स्पीड को आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो उसका मास घट जाएगा, नहीं समझ में आया? आया? किसी के पास में जैसे ये पेन है, इस पेन में मास है, इस पेन को हम इतना ज्यादा वेलोसिटी दे दें, इसका मास हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समझ पा रही है? मतलब ये यहां पे हुआ कि आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को समझने के लिए, m इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 − v² / c², ये फॉर्मूला से प्रूव हो जाता है, समझ में आया? ये 50-60 किलोमीटर की हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत स्पीड, लगभग लाइट की स्पीड के बराबर, 300,000 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार से, अगर इसको आप वेलोसिटी दे दें तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब मास जीरो हो जाएगा, समझ पाई बात को? इसीलिए यहां पे क्या लिख दिया गया, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कहां पर निर्भर करता है, उसका वेलोसिटी पे निर्भर करता है, समझ में आ गया? कभी हल्का गाड़ी में बैठी है ना तुम लोग, जब वो स्पीड पकड़ने लगता है तो कांपने लगता है, क्यों कांपने लगता है, क्योंकि वहां पे दो नियम लागू होती है, पहला तो हाइजेनबर्ग का असेंडेंटली प्रिंसिपल अपना रूप में आता है, वेव बनाने का कोशिश करता है,
प्लस जब स्पीड में होती है तो उसका मास क्या होने लगता है, घटने लगता है, इसलिए भी कांपने लगता है। समझ में आया? चलिए, और ये इस चीज को ये फॉर्मूला क्या कर देती है, प्रूफ कर देती है। यहां पे एम आपका एम नोट क्या है, एम नोट क्या है, यहां पे रेस्ट मास है बॉडी का, क्या है रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ बॉडी। जब बॉडी हमारा मूव ना कर रहा हो, जैसे अभी पकड़े हैं ना ये पेन को, तो पकड़े हैं उस समय का इस बॉडी का मास को हमने क्या माना, एम नॉट। ठीक, यहां पे भी क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ बॉडी, भी क्या है, हम यहां पे स्पीड लिख देते हैं, स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक, सी क्या है यहां पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपको पता है 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? आप किसी बॉडी को कितना स्पीड दे सकते हैं मैक्सिमम, बताइए। आपका नजर में जो ऑब्जर्व आप कर पाते हैं, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका, हम मैक्सिमम बॉडी का उठा लेते हैं, बुलेट का, बंदूक से दागी हुई गोली, उससे ज्यादा तेज हम लोग का जो नेचर में हम लोग के द्वारा स्पीड नहीं दिया जा सकता, दे सकती उससे ज्यादा स्पीड। आपका रॉकेट भी उतना स्पीड नहीं चलता होगा, जितना स्पीड कौन चलता है, बंदूक की गोली चलती होगी। तो यहां पे मान के चलिए बंदूक का गोली कितना चला होगा, ये भी को हम मान के चलते हैं 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा स्पीड नहीं चलने वाली है। क्या चलेगी बंदूक की गोली, नहीं चलेगा। कितनों भी स्पीड कर लीजिए, इससे ज्यादा स्पीड नहीं चलने वाला है। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर ये वैल्यू को इसमें आप लगा दें तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, एम इक्वल टू एम नोट बाई अंडर रूट 1 - v के जगह में क्या डालने वाले हैं, 5 × 10³ बाई सी के जगह में क्या डालने वाले हैं, 3 × 10⁸। इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, जब आप इसको भाग दे देंगे तो ये लगभग 0.0000 समथिंग आने लगेगा, यानी कि लगभग जीरो के बराबर आएगा। समझ पा रही है बात को, लगभग किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो आप यहां पे 1 - क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। अगर 1 - 0 हुआ तो आपको रूट के अंदर पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और 1 का रूट क्या होगा, 1। और 1 को m नोट से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब भी आपको क्या मिलेगा, m नोट ही मिलेगा। मतलब आपको क्या मिला, m इक्वल टू m नोट। प्रूव हो जाता है ये कि आपका किसी भी बॉडी का मास कहां पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो आपको उसके लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, कम से कम लाइट के स्पीड के बराबर। समझ में आया? तभी वहां पे टोटली आपका मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जीरो के बराबर हो सकता है। क्लियर? लेकिन चार्ज कैन नॉट बी डिपेंड ऑन वेलोसिटी, चार्ज हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यह चीज हमको सीखना था। समझ में आ गया? हमारे पास में मान के चलो इसका वजन 5 किलो, इसको हमने वेलोसिटी दिया लाइट के वेलोसिटी के बराबर, तो इसका मास क्या हो गया, जीरो। मान के चलो कि इसके अंदर पे 10 कूलम का चार्ज है, लेकिन इसका मास जीरो हो गया, पर भी इसका चार्ज आपका 10 कूलम का 10 कूलम बना हुआ रहेगा। बात समझ में आ गया? यानी कि मास आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें उपस्थित चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आप एक लाइन लिखेंगे, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और स्पीड। बात समझ में आया? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी या स्पीड, जितना चार्ज है उतना चार्ज रहेगा, चाहे
उसका आप कितनी भी वेलोसिटी दे दीजिए, उसका मास घट जाए या बढ़ जाए, लेकिन चार्ज आपका जीव का क्यों रहेगा। समझ में आ गया। फोर्थ नंबर पॉइंट, जिसका नाम है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ नंबर पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। समझ में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब यह हुआ, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आया, ना चार्ज को हम बना सकते हैं ना चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। क्या कहलाती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। समझते चलिए साइंस को, कहीं पर भी पलटी मार सकता है। अभी तक देख रहे हैं ना चार्ज हमारा, ना चार्ज को हम बनाते हैं ना चार्ज को बिगाड़ते हैं, मतलब नष्ट करते हैं। क्लियर? अब इसी के आधार पे ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आता है? बंद, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम पे एक जगह पे, यहां पे मान के चलिए प्लस टू कूलम्ब का चार्ज है। समझ पा रही है? एक जगह पे प्लस थ्री कूलम्ब का चार्ज है और एक जगह पे आपका माइनस वन कूलम्ब का चार्ज है, तो इसका टोटल चार्ज कितना? जल्दी बना ला? कितना? टू कूलम्ब प्लस थ्री कूलम्ब प्लस माइनस वन कूलम्ब इक्वल टू प्लस फोर कूलम्ब है। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहा? चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना चार्ज को नष्ट कर सकते हैं, यही बोला है ना। इसके आधार पे आपने इसका टोटल चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया। आगे आइए, इसका चार्ज को हम फेर बदल करते हैं। यहां पे आपका चार्ज 2.5 कूलम, ये आधा उधा का मतलब नहीं, ये सिस्टम के अंदर ही है, इसको हम दे नहीं है किसी को, हाँ सिस्टम में ही है। जबकि हमारा क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को आप आधा टुकड़ा डेढ़ अढ़ाई में नहीं दे सकते, ले हम इसको थोड़े दे रहे हैं डेढ़ अढ़ाई में, ये तो सिस्टम के अंदर ही है। समझ में आया? यहां पे कितना चार्ज? 2.5 कूलम। यहां पे कितना? प्लस 2 कूलम। ठीक, तो यहां पे कितना? जल्दी आपने डेफिनेशन लिखा ना यहां पे? क्या लिखे डेफिनेशन? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बताइए यहां पे कितना चार्ज? क्या क्वेश्चन समझ पाई तुम लोग? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से। ये आइसोलेटेड बॉडी है, इसका एक जगह पे कितना चार्ज? ध्यान दीजिए, प्लस टू कूलम का चार्ज। यहां पे कितना? प्लस थ्री कूलम का चार्ज। यहां पे कितना? माइनस वन कूलम का चार्ज। तो इसका नेट चार्ज कितना? प्लस फोर कूलम। यहां पे इसका कितना चार्ज? यही आइसोलेटेड सिस्टम बॉडी है, हमने उसका चार्ज को फिर बदल कर दिया। यहां पे कितना चार्ज? 2.5 कूलम चार्ज। यहां पे प्लस 2 कूलम चार्ज। तो यहां पे कितना चार्ज कहने निकालेगी? जल्दी निकालो, दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ ना, कहीं नहीं समझ में आता है तुम लोग को, ये क्या बोल रहा है ये? यहां का तुम्हारा ये प्लस 2 कूलम चार्ज,
ये प्लस 3 कूलम चार्ज, ये माइनस 1 कूलम चार्ज, तो इस आइसोलेटेड बॉडी का नेट चार्ज कितना? प्लस 4 कूलम। यही बॉडी ये बॉडी है कि नहीं? यही बॉडी ये बॉडी है, तो इसका जो प्लेस है उसमें हमने फिर बदल कर दिया चार्ज को। यहां पे 2 के जगह पे हमने क्या रख दिया? 2.5 कूलम। 3 के जगह पे हमने क्या रख दिया? 2 कूलम। तो यहां पे कितना चार्ज? समझो ना, समझो क्या होगा? क्या किया इसको? 2 कूलम। 2 कूलम के जगह में क्या है? 2.5 कूलम। प्लस 3 कूलम के जगह में क्या है? 2 कूलम। फिर प्लस, इसको निकालना है यहां पे, प्लस माइनस हमको नहीं पता है, पता नहीं पता, तो इसको क्या मान लीजिए? एक्स किसके बराबर? प्लस 4 कूलम के बराबर। नहीं समझ में आया? यही बॉडी तो है वो, इसमें जितना नेट चार्ज उतना नेट चार्ज इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ ना, हाँ, एक्स इक्वल टू क्या आया? 0.5 प्लस की माइनस में माइनस, इसको बनाइए 2.5 कूलम प्लस 2 कूलम 4.5 कूलम प्लस एक्स। 4.5 को उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 में 4.5 को माइनस कीजिएगा तो माइनस 0.5 कूलम। ठीक, आया समझ में? एक दूसरा क्वेश्चन दे, बनाइएगा। यस सर। चलिए ध्यान दीजिए, ये आइसोलेटेड सिस्टम, इस आइसोलेटेड सिस्टम के एक जगह पे मान के चलिए हमने लगाया 3 कूलम पॉजिटिव में चार्ज, एक जगह पे हमने डाल दिया माइनस 2 कूलम का चार्ज, और एक जगह पे लगा दिया हमने प्लस 4 कूलम का चार्ज। यही आइसोलेटेड सिस्टम में हमने यहां का चार्ज को फिर बदल कर दिया। फिर बदल कर दिया का मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमने डाल दिया 3.5 कूलम का चार्ज, यहां पे हमने डाल दिया माइनस 0.5 कूलम का चार्ज, तो ये वाला चार्ज कितना? जल्दी चलिए, पहले इसका क्या करेंगे आप? नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे। नेट चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे बताइए? प्लस 3 कूलम, फिर प्लस माइनस 2 कूलम, प्लस 4 कूलम इक्वल टू, बताइए जल्दी, हाँ, प्लस 5 कूलम। इस बॉडी का नेट चार्ज कितना आया? प्लस 5 कूलम। अब इसको कैसे बनाएंगे हम? ध्यान दीजिए, प्लस 3.5 कूलम प्लस माइनस 0.5 कूलम प्लस एक्स कूलम इक्वल टू प्लस 5 कूलम। अब तो समझ में आया होगा? चलिए, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो इधर क्या मिल गया? 3 कूलम। कितना मिलेगा? 3 कूलम प्लस एक्स कूलम प्लस 5 कूलम। ठीक, तो x बराबर 5 कूलम, 3 उधर जाएगा, माइनस 3 कूलम इक्वल टू प्लस 2 कूलम, यानी कि यहां पे आपको क्या मिलने वाला है? प्लस 2 कूलम। अब तो समझ आया होगा? डाउट नहीं है ना? क्लियर? यहां पे क्या लिखे हम लोग? चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जोड़ा में हम क्रिएट भी कर सकते हैं और जोड़ा में डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। देख रही है फिजिक्स? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट प्योर प्रोडक्शन इज पॉसिबल एंड डिस्ट्रॉयड ऑल्सो पॉसिबल। बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? कि अगर आप चार्ज को एक देते हैं, एक एक का मतलब समझ में आ रहा है, उसको देखते हैं तो ना उसको आप बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं,
लेकिन अब जोड़ा में लेते हैं, जोड़ा का मतलब समझ में आता है, पेयर में लेते हैं, तो पेयर को आप नष्ट भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप एक नेगेटिव को क्या किए, डिस्ट्रॉयड किए, तो साथ में आपको एक प्लस को भी डिस्ट्रॉयड करना होगा, ठीक। अगर आप एक माइनस क्रिएट कर दिए तो साथ में आपको एक प्लस भी क्रिएट करना होगा। बात समझ में आ गया? हम आगे चल के बताएंगे यहां पे प्योर प्रोडक्शन किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द प्योर प्रोडक्शन, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इनहेलिशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, सर्वनाश जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द इनहेलिशन, ठीक। तो यहां पे लिखिएगा बट, इसी के आगे लिख दीजिए बट प्योर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, पॉसिबल एंड ऑल्सो पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय एंड ऑल्सो पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय। समझ में आ गया? जोड़ा में आप उसको बना भी सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं। समझ पा रही है बात को? इसी के आधार पे हम लोग का अगला 5 नंबर ना टॉपिक का नाम पढ़ने वाला है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, यानी किसको कहते हैं हिंदी में, सर्वनाश। सर्वनाश का मतलब समझती है ना? Yes. कुछ भी नहीं बचे, सर्वनाश कहा जाता है इसको, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, सर्वनाश। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, सर्वनाश कर रहे हैं, मतलब उसका क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन किसमें करेंगे, जोड़ा में, पेयर में, सिंगल में ना उसको हम बिगाड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, लेकिन जोड़ा में बना भी सकते हैं और उसको विनाश भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब समझिए यहां पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किसको कहते हैं। ये तो समझ में आ गई बात, हमारा जब भी ये होगा हमारा जोड़ा में होगा, पेयर में होगा, तो जब आपका पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का उल्टा एंटी पार्टिकल्स, प्लस का माइनस, साइंटिस्ट ने का मानना है कि दुनिया पे जितना भी हमारा बॉडी है, मटेरियल है, उसका डुप्लीकेट है, सेम गुण वाला लेकिन उल्टा। समझ में आ गया? तो पार्टिकल्स है तो एंटी पार्टिकल्स भी है। समझ पा रही है ना? जब पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो दोनों के टक्कर से वो क्या हो जाते हैं, सर्वनाश हो जाते हैं, और जब वो सर्वनाश हो जाते हैं तब वहां से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो जाता है। इसी के आधार पे आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला बनाया था E=mc²। समझ में आ गया? जब दो बॉडी आपस में टकराते हैं तो उसका क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन साथ में क्या छोड़ के जाता है, एनर्जी छोड़ के जाता है। बात समझ में आया? तो लिखे हम लोग यहां पे इन विच ए पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स इन विच ए पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स पार्टिकल्स कोलाइड, कोलाइड का मतलब क्या, कोलाइड्स ईच अदर अदर एंड डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब अदृश्य,
अदृश्य हो जाना का मतलब सर्वनाश खत्म हो जाएगा, तभी ना कुछ नहीं दिखेगा। क्या समझे भाई? ना समझे? देन रिलीजिंग एनर्जी, और क्या कर जाता है साथ में एनर्जी को छोड़ के चला जाता है। बात समझ में आया होगा? यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिहिलेशन की, यानी कि डिस्ट्रॉयड की। जब भी पॉसिबल है तो कब है? पियर में है कि नहीं जोड़ा? यहां पे कौन कौन जोड़ा? पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स। क्लियर? समझिएगा यहां पे, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसके नाम से जानते हैं? पॉजिट्रॉन्स, यानी कि ई माइनस, तो इसका उल्टा ई प्लस, याद रखिएगा। ठीक, इसका क्या मतलब? सेम मास बट अपोजिट चार्ज। ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास में आसमान जमीन का फर्क है, 1837 गुना टाइम का फर्क है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन ये आपका इसका एंटी है, सेम चार्ज मतलब सेम मास बट अपोजिट चार्ज, सेम मास बट अपोजिट चार्ज। यहां पे आप इसको कभी प्रोटॉन नहीं समझिएगा, ये पॉजिट्रॉन। भलो आप प्रोटॉन को ई प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका मास और इलेक्ट्रॉन का मास में आसमान जमीन का फर्क है कि नहीं? लेकिन ये दोनों का मास क्या है? सेम, लेकिन चार्ज क्या है? अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस है। और ये सारी चीजें, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें आपका कॉस्मिक रे में मिला। कॉस्मिक रे का मतलब जानते हैं आप लोग? जो ग्रह नक्षत्र से आने वाली किरणें, ग्रह नक्षत्र से क्या आती है? किरण आती है, जिसे हम लोग का क्या बोलेंगे उसको, नक्षत्र वगैरह देखते हैं ना, आपको समझ में आता होगा शायद, ग्रह नक्षत्र नहीं पता हम, कुंडली उंडली जो भी होता है, तो वो ग्रह नक्षत्र से जो रे आती है उसी रे को क्या कहते हैं? कॉस्मिक रे। और उसी कॉस्मिक रे के अंदर पे आपको क्या मिला था? एंटी पार्टिकल्स मिला था। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, जिसका नाम क्या दिया गया? पॉजिट्रॉन। समझ में आ गया? तो लिखे हम लोग, इट वाज फाउंड, ये हमको कहां पे मिला था? इट वाज फाउंड इन कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे का मतलब समझ में आया ना? जो ग्रह नक्षत्र से आने वाली किरणें, इसके आधार पे 1928 को इसके आधार पे थ्योरी बनाया गया। क्या बनाया गया? थ्योरी बनाया गया। क्या थ्योरी बनाया गया? कि यूनिवर्स में जितनी भी हमारा पार्टिकल्स है उसका एंटी पार्टिकल्स होगा। समझ में आया? यह केवल थ्योरी बना। कब बना? 1928 को केवल थ्योरी बना, किताब में लिख दिया गया ये चीजें, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, और यही चीज को देखिए 1932 में, कितना में? 1932 में इसको डिस्कवर कर लिया गया कि हाँ होती है एंटी पार्टिकल्स। समझ में आया? डाउट है? अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्या इलेक्ट्रॉन, क्या पॉजिट्रॉन, ये देखो ध्यान से,
ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स का एंटी पार्टिकल्स है कि नहीं है? दोनों के बीच में क्या होता है कोलाइड। ध्यान से देखिए ऊपर, इन विच ये पार्टिकल्स हैं एंटी पार्टिकल्स कोलाइड ईच अदर एंड डिसअपीयर, दोनों गायब हो जाएंगे टकराने के बाद में, देन रिलीजिंग एनर्जी। उसके बाद में क्या यहाँ पे छोड़ देंगे वो एनर्जी। तो ये आपका पार्टिकल्स, ये एंटी पार्टिकल्स, दोनों क्या होंगे कोलाइड। कोलाइड होने के बाद में सर्वनाश, क्या होगा सर्वनाश खत्म, और यहाँ पे आपको क्या दे देंगे एनर्जी गामा रे के रूप में। इसी को आप किसके नाम से जानते हैं, रेडिएशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये है फिजिक्स। यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है एनर्जी। इसी एनर्जी को किसके नाम से जाने हम, रेडिएशन के नाम से जाने। समझ पा रही है सुजाता, नींद लग रहा है? क्लियर? चलिए, एनिहिलेशन का मतलब समझ में आया कि हमने पेयर में क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब हमको पेयर में प्रोडक्शन ही तो दिखाना है। ये तो हमने सीखा कि पेयर में हम इसको प्रोडक्शन भी दे सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हमने डिस्ट्रॉय करके दिखाया, तो हमारा क्या बाकी रह गया, प्रोडक्शन, जिसका नाम होगा पेयर प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर सिक्स, पेयर प्रोडक्शन। हो गया फेन, फेन हेवी, लिख पाएंगे एग्जाम में। जब हेवी मेटल को गामा रे के साथ में पटका जाता है, बमबार्ड किया जाता है, स्ट्राइक आप लिख सकते हैं, टकराया जाता है, तो वहां से आपका किसका जन्म होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का होता है। इसी को हम लोग पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। डाउट है, समझ पा रही है? कौन सा लाइक हम कौन सा मेटल लिए, प्लेटिनम है, किसके साथ में इसको बोलो ना जल्दी, गामा है कि नहीं? तो यहाँ पे गामा हमारा कितना टाइम, टू टाइम, तो क्या बना आपका E माइनस और E प्लस। इसी को क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। हाँ हाँ, जोर से पटकना, बमबार्ड मतलब एक दूसरे को जोर से टकराना, बमबार्ड कहा जाता है। समझी? पूछना है किसी को पेयर प्रोडक्शन के बारे में, पूछना है? सिंपल, फेन हेवी मेटल्स लाइक प्लेटिनम बम्बार्ड विथ गामा रे, देन इट्स प्रोड्यूस ई माइनस एंड ई प्लस, नोन एज पेयर प्रोडक्शन। आप इसको याद कीजिए या इसको याद कीजिए, यही चीज यहां लिखा गया है। समझ में आ गया? और जब इसी को हमने किया था तो आपको क्या मिला था, दो को मिला था, नहीं मिला था गामा प्लस गामा, इसलिए वही दोनों गामा को हम अलग अलग नहीं लिख के टू गामा लिख लिए, और यही दो गामा से हम इसको क्या किए, बमबार्ड कराए, तो हमको यही चीज मिल गया। इसका उल्टा सर्वनाश, इसका उल्टा प्रोडक्शन। क्लियर? डाउट है तो थोड़ा सा आज देखे हम लोग, सबसे पहले हम फिजिक्स में कहां से स्टार्ट किए, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, कितना प्रकार का, तीन प्रकार का, कौन कौन सा सुंदरी? हाँ, इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टचिंग, हो गया। फिर हम कहां पे घुसे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला टॉपिक क्या था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बताता है, अलजेब्रिक सम जोड़ना विद साइन, चाहे वो प्लस रहे या माइनस रहे, सम उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे,
तो उस बॉडी का नेट चार्ज हमको मिल जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जब आप किसी बॉडी से चार्ज का आदान प्रदान करेंगे तो वो डेढ़ अढ़ाई सवा में नहीं चलने वाला, किसमें चलने वाला? इंटीजर मल्टीपल नंबर पे। उसका आगे फिर आपने क्या सीखा? मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड दे दें तो उसका मास आपका जीरो भी हो सकता है, लेकिन चार्ज हमारा चेंज नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपने सीखा। फिर आपने सीखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना चार्ज को हम बना सकते हैं ना चार्ज को मिटा सकते हैं, लेकिन जोड़ा में हम बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसी के आधार पे हमने देखा एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन। क्लियर? किसी को पूछना है कहीं पर भी? नहीं तो चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। कल और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक?